में स्वयं कल्पान ध्यान साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। रेखा जी आप प्रोग्राम की शुरुआत करें। ओम प्रणाम आचार्य। ओम प्रणाम। श्री ऐश्वर्यम कल्पांत ध्यान साधना परिवार मंच के आज पधारे हुए सभी साधक उपासक ब्रह्मांड से आई हुई चेतनाएं ऊर्जाएं सभी को हम प्रणाम करते हैं। सभी के आत्मा के बीच विराजित परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आज पूर्णिमा के दिन आचार्य जी की आज्ञा से हम अपनी कुछ सेवा यहाँ दे रहे हैं, तो इसे सभी ने स्वीकार करना है। और आज कुछ विधाएं बताई जाएगी। आज यहाँ पे आपको परंपराओं से मान्यताओं से चलते हुए जो आज की जो विशेष पूर्णिमा है, यह पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसे इसके पीछे का रहस्य क्या है, इस रहस्य को खोलने का कार्य आज हमें यहाँ दिया गया है। तो इसे हम पूर्ण करने का संपूर्ण प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबका आशीर्वाद बना रहे। हो सके तो सभी एक जल पात्र अपने पास रखें, लोटे में, ग्लास में, कांच के ग्लास में, लोटे में, जैसे भी हो। अगर घर में किसी के मिट्टी का कुल्हड़ हो तो बहुत अच्छी बात है। आज हम जानकारी देंगे, आगे से जब भी उपयोग करेंगे तो मिट्टी के कुल्हड़ का उपयोग करना है, किंतु आज आप सिंपल ग्लास लोटे में भी जल ले सकते हो। ज्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई ऐसी व्यवस्था में बैठा है कि उठ के नहीं ले सकता, तो वह अपने मानस स्वरूप में अपने आगे जल पात्र को निर्माण करे कि मेरे सामने जल पात्र में लेकर बैठा हुआ हूँ आज की साधना उपासना के अंदर। आचार्य जी शुरू करें। जी शुरुआत करिए। इस मंच पर पधारे हुए सभी साधक एक सहज आसन के अंदर बैठिए। आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप आसन पे बैठ सकते हैं। यदि कोई लेटना चाहे तो लेट सकता है, किंतु जागृत अवस्था में, नींद नहीं लेनी है। जितना हो सके अपने नाभि के ऊपर अगर आप अपने दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखकर अगर लेटते हो तो नींद नहीं आती है। लेटने वालों के लिए विषय है, बैठे जो लोग हैं वह है तो सामने बिल्कुल सहज भाव से हाथ रख के बैठना है। तो आज हम यहाँ पर आज वट पूर्णिमा, जैसे वट अमावस्या भी होती है कुछ प्रदेशों में, कुछ विभागों में मनाई जाती है जो 15 दिन पहले हो चुकी है, और ज्यादातर वट पूर्णिमा मनाई जाती है जहाँ पे सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए थे, यमराज से लड़ गई थी, अपने पति के प्राण वह ले आई थी। ऐसी एक दंत कथा इसके पीछे है। तो हम आज इस दंत कथा तथा आज की विशेष जो यह पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा के व्रत के ऊपर तथा आत्मा और परमात्मा, गुरु और शिष्य, इन सब का क्या एक दूसरे से कनेक्शन है, इस सब का एक दूसरे से क्या नाता है, इसके ऊपर हम सब चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले यह देखा गया है कि घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा करने के लिए हम कहते हैं, या घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए, हमारा वातावरण शुद्ध होना चाहिए, हम लोग दीप धूप हर चीज करते हैं। किंतु बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम जब मंत्र स्तोत्र मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, उस समय कहीं ना कहीं हमारी साधना उपासना अधूरी रह जाती है। उस समय हमें अस्वस्थता होने लग जाती है, बीच में ही जमली का आना, नींद का आना, घर में किसी ने शोर मचाना,
किसी के बार बार फोन आना, ये जो सारी बातें होती है ये हमारे साधना उपासना के बीच में व्यत्यय का कारण बनती है, विघ्न का कारण बनती है। तो इसलिए हमेशा चाहिए कि हम जब भी मंत्र स्तोत्रों मेडिटेशन करने के लिए हम जब भी बैठते हैं, तो जिस तरह से हमें अपना ओरा क्लीन करने के लिए बोला गया है, हमारी कवच धारण करने को बोला गया है, उसी तरह से हम जिस जगह पर बैठते हैं उस वास्तु, उस जगह, उस रूम का भी हमें ओरा क्लीन करना चाहिए। वहाँ का हमने वहाँ पर हमने कवच का निर्माण करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि बहुत सी बात क्या होता है कि बहुत से घरों के अंदर ऐसा बहुत सारे रूम है या नहीं है, एक ही जगह पे सब बातें करना पड़ता है। तो इस वक्त हम देखते हैं कि हर घर में जो हम जिस घर में रहते हैं वहाँ का जो वास्तु पुरुष होता है, उस वास्तु पुरुष को हमें नमन करना है, क्योंकि हम जिस वास्तु पुरुष के घर में हम रहते हैं वही हमें हमारे सभी बातों को देने के लिए सहज हमारा साथी होता है। जिस तरह से हमने पिछली पूर्णिमा में अष्ट लक्ष्मी का हमने श्री यंत्र के साथ स्थापत्य किया था, हमने नवरात्र में अष्ट लक्ष्मी की हमारे नाभि मंडल के ऊपर हमने स्थापना की थी, हमारे वास्तु में हमने नाभि मंडल में स्थापना की थी, शरीर रूपी हमारे वास्तु में तथा हम जहाँ रहते हैं इस वास्तु में हमने श्री यंत्र स्थापना की थी, अष्ट लक्ष्मी स्थापना की थी। यह अष्ट लक्ष्मी भी हमारे घर के आठों दिशाओं में होती है और हमारे घर की आठों दिशाओं से हमें जो जो आवश्यक है उस दिशा से हमें उस चीज की प्राप्ति होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन दिशाओं के ग्रह देवता जो होते हैं यह हमारे कार्य में जब सहाय करते हैं, हमारी आर्थिक, हमारी व्यवहार, हमारी जॉब, हमारे आरोग्य, हमारा शिक्षण, हमारी जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं इनको पूर्ण करने के लिए हर एक लक्ष्मी हमें उपयोग में आती है। तो हमने हमेशा जब भी हम साधना को बैठे तो रोज हम सर्वप्रथम श्री भगवान गणेश जी को, हमारे कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता, हम जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसे मतलब आंखें खोलो तो उसका नाम, आंखें मीचो सो उसका नाम, ऐसी जो व्यक्ति है उसे याद तो करना ही नहीं पड़ता है, किंतु इस समय उसका भी हम स्मरण करें, क्योंकि हर किसी के, हर आत्मा के अंदर एक परमात्मा बसता है। तो इन सबको याद करते हुए, नमन नमस्कार करते हुए हमें अपने जो भी साधना उपासना है उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो आइए अब हम सब सर्वप्रथम हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़ते हुए हम भगवान श्री गणेश को, इष्ट देवता को, कुल देवता को, ब्राह्मण देवता को, पितृ देवता को, काल पुरुष को, वास्तु पुरुष को, ग्रह पुरुष को, हमारी ग्रह लक्ष्मी को हम नमन करते हुए हम आज की इस साधना को शुरुआत करेंगे। उसी तरह से अष्ट दिशाओं में बसी हुई हे अष्ट लक्ष्मी, हम तुम्हें भी प्रणाम करते हैं। इसी तरह से यह एक चार ही मिनट की देखो तो उपासना है, लेकिन यह करने के बाद आप अगर दो घंटा भी एक जगह बैठ के कोई कार्य करना चाहो तो आप बहुत ही सहजता से कर सकते है। तो हम इन सब को नमन करते हुए तथा आकाश और पाताल, ऐसे हमें दश दिशाओं को नमन करना है। तो यह दश दिशाओं का जो नमन है यह हम बिल्कुल सादी भाषा में भी कर सकते हैं। मैं आज ग्रुप के ऊपर एक मैसेज डाल दूंगी, तो हमें इसे थोड़ा सा अगर ईश्वरी भाषा में अगर हमें करना है तो ओम ईशान दिशा नमस्कारोणी नमः, हमें ईशान दिशा में ओम गुरु ग्रहाय नमः, ओम शिव देवा नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमो नमः, ओम पूर्व दिशा नमस्कारोमि, ओम सूर्य ग्रहाय नमः। पूर्व से सूर्य भगवान उगते हैं, हमें पूर्व में सूर्य ग्रह का नमस्कार करना है। ओम इंद्र देवताय नमः, ओम ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः, ओम आग्नेय दिशा नमस्कारोमि, ओम शुक्र ग्रहाय नमः, ओम अग्नि देवताय नमः,
ओम धान्य लक्ष्मी नमः, ओम दक्षिण दिशा नमस्कारोमि नमः, ओम मंगल ग्रहाय नमः, ओम यम देवाय देवताय नमः, ओम आदि लक्ष्मी नमो नमः, ओम नैऋत्य दिशा में नमस्कारोमि नमः, ओम राहु केतु ग्रहाय नमः, ओम नैऋत्य देवताय नमः, ओम धैर्य लक्ष्मी नमो नमः, ओम पश्चिम दिशा नमस्कारोमि। हमें यहाँ पर अगर आपको आपकी वास्तु की दिशाएं समझती है तो हमारे अंतर में ही हमारी आंखों को हमें उस दिशा की ओर अंदर ही अंदर मन के अंदर ही अंदर उस दिशा की ओर हमें घुमाना है, नहीं तो बिल्कुल स्थिर बैठे और मेरा जो ये सामने से नमस्कार जा रहा है मेरी उस दिशा को ही जा रहा है। क्योंकि हम आगे जब आप लोगों को साधना सिखाएंगे उस समय हम इसके हाथों की सारी हम विधियां सिखाएंगे, आज हमें यह सारी बातें सिर्फ नमस्कार करते हुए करना है। ओम पश्चिम दिशा नमस्कारोमि, ओम शनि ग्रहाय नमः, ओम वरुण देवताय नमः, ओम गजान्त लक्ष्मी नमो नमः, ओम वायव्य दिशा नमस्कारोमि, ओम चंद्राय नमः, ओम वायु देवताय नमः, ओम विजय लक्ष्मी नमो नमः, ओम उत्तर दिशा नमस्कारोमि, ओम बुध प्रग्रहाय नमः, ओम कुबेर देवताय नमः, ओम धन लक्ष्मी नमो नमः, ओम ऊर्ध्व दिशा नमस्कारोमि, ओम ब्रह्माय नमः, ऊर्ध्व दिशा यानी कि आकाश की ओर, ओम अधो दिशा नमस्कारोमि, ओम अनंताय नमः, अथ वास्तु पुरुषाय नमो नमः, क्षेत्रपाल देवताय नमो नमः, नमस्ते वास्तु पुरुष भूषय्याभिरत प्रभो, मदग्रह धन धान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा। यह जो है यह वास्तु पुरुष का गायत्री मंत्र है। तो हमें इस गायत्री मंत्र से तथा अष्ट दिशा चाव को नमन करते हुए आज हम हमारी साधना में बैठेंगे, उपासना में बैठेंगे। तो आज की हमारी जो यह विशेष साधना है हम सब तक बीजारोपण इसका अच्छे से हुए यही मैं यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आज यहाँ पर हम जिस भी मनोकामना को लेकर बैठेंगे, हमें कोई कामना तो करनी ही नहीं है, फिर भी यदि जीवन में भौतिकता में जीते समय बहुत सारे हमारे जीवन में प्रश्न होते हैं तो उन प्रश्नों को ध्यान के अंदर आने दीजिए, जाने दीजिए। ईश्वर को आपको जो देना है वह देगा, उससे बहुत ज्यादा बढ़कर देगा, और जो नहीं मिला है उसके लिए इंतजार कीजिए, शायद देर से मिलेगा, और नहीं ही मिला है तो यह समझ लीजिए कि वो आपके लिए अच्छा नहीं था इसलिए नहीं मिला। तो इस तरह से अब हम हैं तो यहाँ पर आपको जो कुछ बोलेंगे उसे बिल्कुल ही शांत मन से सहज भाव से बैठते हुए मन के अंदर श्रीम 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 का अंदर स्मरण करते हुए आपको सुनना है। मान्यता के हिसाब से माना गया है कि वट सावित्री पूर्णिमा। क्या है वट सावित्री पूर्णिमा? हमने सुना है कि वट सावित्री पूर्णिमा के दिन सती ने सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से लाए थे। यमराज उसके पति को लेकर जा रहे थे, सर्पदंश के कारण सत्यवान की मृत्यु हो गई थी, और फिर सत्यवती यमराज के पीछे निकल पड़ी और उसने उनके साथ अट्टहास किया कि नहीं मुझे मेरे पति के प्राण वापस लौटाइए। कौन थी यह सत्यवती, कौन था सत्यवान? तो भद्र देश के जो राजा है अश्वपति, अश्वपति की यह कन्या थी। आज हम देखते हैं कि जब बच्चों की शादी होती है, शादी विवाह होता है, विवाह के समय विवाह संस्कार मतलब हमारे जो 16 संस्कार है, 16 संस्कारों में एक संस्कार यह दिया गया है कि विवाह के पहले पुरुष जो होता है वह हनुमान जी के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में नमन करने जाता है, और जो कन्या होती है वह दुर्गा पूजन करती है, और फिर वह फेरों में बैठते हैं, उनकी सप्तपदी होती है, सिंदूर भरा जाता है, जो भी आगे का विषय है। तो यह विवाह होता है यह दो स्त्री पुरुषों का। उसके बाद में पहले हम देखते हैं कि राजा महाराजाओं के कालों में उनके ऊपर कुछ ऐसे संस्कार किए जाते थे, उनके बोलने का, मिलने का, प्रणय का, हर बात का एक मुहूर्त होता था, हर बात का एक विधान होता था, समय होता था, उसके पहले कुछ आहार विहार योग प्राणायाम, इन सारी क्रियाओं के बाद जब स्त्री के गर्भ में बीजारोपण होता था
तो वह होने वाली जो संतान थी वह बलवान राजा के स्वरूप में निर्माण होती थी। तो इसी तरह से जो भद्र राजा थे इनको वर्षों से संतान नहीं हो रही थी, इसके पीछे भी कुछ कारण थे। तो उनको किसी ने यज्ञ करने को कहा था और इन्होंने 18 साल ये, और इस यज्ञ से, यज्ञ में क्या होता है कि यज्ञ में हम जो भी हवन सामग्री डालते हैं यह सारी आयुर्वेदिक औषधि होती है, और यह आयुर्वेदिक औषधि विविध रोगों के ऊपर उपयोग में आने वाली होती है। अगर आपको जो भी रोग है और उस रोग से जुड़ी आप एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य से, एक अच्छे मार्गदर्शक से अगर आप इन औषधियों का अगर आप चयन करते हैं, पूछते हैं, और उन औषधियों को जिस तरह से खाना है उसी तरह से अगर एक छोटा सा भवन करके उसके अंदर अगर हम इन औषधियों को डालते हैं और उसका धुआं हमारे नाक के द्वारा हमारे श्वासों के अंदर जब जाता है, श्वासों के द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर में फैलता है, तो हमारी पेशिकाओं में बदल होता है और अंतर से बदल होने के बाद हमारे वीर्य के अंदर जो भी कमी होती है वह कमी पूर्ण होकर फिर वहां पर शरीर में जो भी तेज है, हमारा तेज है, बल है, वीर्य की वृद्धि होती है। तो यह सारी बातें विधाने पहले चलती थी, आज लुप्त तो हो रही है। तो राजा ने जो भी कोई हवन किया था उस हवन के कारण ही यह सत्यवती प्रकट हुई। प्रकट हुई माने उनके यहाँ कन्या हुई और यह कन्या बहुत ही तेजस्वी थी। अब जो बच्ची 18 साल के हवन के तप से हुई है वह तो तेजस्वी होगी ही। तो ऐसी तेजस्वी कन्या जहाँ भी जाएगी तो उस कुल का, उस घर का उद्धार ही करेगी। और एक और सत्यवान था कि सत्यवान एक राजा का बेटा था जिसकी उम्र कम थी और शत्रुओं ने उनके राज्य को छीन लिया था। तो बिल्कुल ही वे लोग जंगलों में रहते थे। एक बार सत्यवती जंगल विहार करते हुए उसका और सत्यवान का आमना सामना हुआ। दोनों की निगाहें मिलते हुए, दोनों का नजरों से नजर एक दूजे से टकराते हुए दोनों ने एक दूजे को नजर से वरना। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा तो यही मेरा जीवन साथी, यही मेरा जन्म जन्म का साथी, यही मेरा सब कुछ है। इस तरह से उन्होंने एक दूसरे को भाव से वरना था। देखिए हमेशा कृति हम क्या करते हैं, हम हमारे शरीर से क्या कृति करते हैं ये बाद में होता है। हमें कृति करने से जितना दोष नहीं लगता है उतना विचारों का दोष होता है। क्योंकि कोई भी कार्य, कोई भी कृति जो होती है वो पहले मन मस्तिष्क भाव में उत्पन्न होती है और फिर वो क्रिया रूप में बदलती है। और हम मन मस्तिष्क में एक रखते हैं और क्रिया रूप में एक करते हैं तो यह ईश्वर को दिखता है। और फिर बहुत सी बार यही होता है, मैं तो बहुत ज्यादा सब कुछ पूजा पाठ ये वो करता हूँ किंतु हम वह मन से कितना करते हैं। इसीलिए मैंने आज शुरू में भी बोला कि अगर जल पात्र नहीं है तो भागदौड़ करो मत, इधर उधर जाओ मत, सुबह सुबह लाइटें लगाओ मत, किसी को हिलाओ मत, उठाओ मत। आप अपने विचारों के अंदर भाव का एक जलपात्र यहाँ पर स्थापित कीजिए। तो विषय यहाँ पर यही आता है कि यह कथा तो सभी को पता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को मन से स्वीकार किया था। यहाँ पर अगर हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बोला जाए तो सावित्री का भाग्य ऐसा था कि वह 12-14 वर्ष में ही विधवा होगी, और सत्यवान भी जो था तो वह भी ऐसा था कि उसकी भी अल्पायु थी। अब दोनों का भी जब एक दूसरे के यहाँ प्रस्ताव गया तो राजा जी जब चिंतित हुए और उन्होंने पुत्री से कहा कि ऐसे लड़के के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसा कराऊँ, क्योंकि उनको बोला गया था कि भले ही आपके पुत्री के भाग्य में विवाह सुख कम है किंतु जिसके पत्री में विवाह सुख ज्यादा है ऐसे के साथ अगर आप इसका वर्णन करोगे तो इसका वह भाग्य बदल जाएगा यदि यह मनोकामना से सेवा करे तो। अब यह बात कितनी सही थी कितनी गलत थी हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, किंतु बात यह थी कि जब सत्यवती को बोला गया कि हम तुम्हारा विवाह दूसरी ओर करते हैं क्योंकि वह राजा संपूर्ण दरिद्र हो चुके हैं तथा उनके पुत्र का आयुर्मान भी नहीं है और तुम्हारा भी ऐसा है तो ये सब कैसे चलेगा, तुम्हारे भाग्य में घटने वाली घटना ही तुम्हारे सामने आ रही है। तब उसने कहा, हे पिताश्री, राजा एक ही बार होता है
पंडित एक ही बार श्लोक पढ़ता है, आशीर्वाद एक ही बार दिया जाता है और मनोमिलन एक ही बार होता है, विवाह एक ही बार होता है और मैं अपने विचारों से, अपने मन से, मस्तिष्क से जब उन्हें पति मान चुकी हूँ तो अब मैं और किसी से भी विवाह करूंगी तो वहां पे सिर्फ मेरा शरीर विवाह करेगा किंतु मेरा मन नहीं करेगा और मेरे भाग्य में जो होगा वह मैं स्वीकार करूंगी। इस तरह से उसने विवाह किया। विवाह करने के बाद वे दोनों भी बहुत ही आचारी थे, दोनों भी बहुत ही सत्संगी थे, दोनों भी ईश्वर सेवा बढ़ के झाड़ के नीचे करते थे और एक दिन सर्पदंश से सत्यवान की मृत्यु हुई और सावित्री, वह जो रोज लकड़ी तोड़ने जाता था जंगलों में, तो सावित्री को पता था कि आज पति के साथ कुछ होने वाला है तो वह भी उनके साथ गई थी, किंतु काल ने अपना काम किया था और उससे सर्पदंश हुआ। कौन है ये सर्प हम आगे देखेंगे, ये काल क्या है हम आगे देखेंगे। तो वह यम के पीछे गई और यम ने उसे पीछे हटने को बोला, तीन वर मांगने को बोले। तीन वरों में उसने अपने सास ससुर का राज्य दृष्टि मांगी, दूसरे वर में उसने अपने पिता के यहाँ संतान मांगी और तीसरे वर में उसने अपने लिए 100 संतान मांगी। और जब यम ने तथास्तु कहा तो वो बोली कि जब पति ही नहीं होगा तो संतान कहाँ से होगी, इसलिए यमराज को उसके पति के प्राण वापिस देने पड़े। अब यह कथा अगर यहाँ खत्म हो जाती है, यह कथा अगर यहाँ पे पूर्ण हो जाती है तो क्या हर एक का भाग्य वही है, क्या हर एक के पत्र में यही लिखा है, फिर क्यों ये वर्षों वर्षानुवर्ष युगानुयुग यह व्रत होते आया है। हर बार हर महिला यह व्रत करती है, हर बार यह विधान होता है, किस लिए होता है? क्या आज हर जोड़ा परिपूर्ण है? आज हम संसार में अगर देखते हैं तो बहुत सी स्त्रिया के अवगुण है, पुरुषों के अवगुण है। क्या आज अगर हम देखा जाए तो एक मजाक में भी बोला जाता है कि अगर हम थोड़ा सा समाज में जाएंगे, अलग अलग श्रेणी के लोगों में अगर जब हम उठते बैठते हैं, देखते हैं कि वहां पर पति दारू पी के आता है, सट्टा खेल के आता है, जुआ खेल के आता है, पत्नी को मार ठोक करता है, दुनिया भर की तकलीफें देने वाले पति की पत्नी भी आचवट सावित्री के दिन दुल्हन के जैसे सजती है, बड़ की पूजा करती है, साथ कच्चे धागे के साथ फेरे लगाती है और जन्म जन्म यही पति मिले यही मनोकामना करती है, यह पूजन का जो विधान करती है, क्या ऐसा करने से सच में वही हो जाएगा या वो अपना भाग्य अपने हाथ से लिखती है कि हर जन्म में मुझे ऐसा ही पति मिलना चाहिए करके? तो फिर क्या है? हम लोग बस मान्यताओं के पीछे चल रहे हैं और हम कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। अब यह प्रथा भी जिन घरों में, जिन धर्मों में जहाँ तक दी गई है वहां तक की स्त्रियां करती है तो चलो वहां पे लंबी उम्र हो रही है, लेकिन जिस धर्म में, जिस घरों में, जिस विरादरी में अगर ये प्रथा है ही नहीं तो फिर वहां के पुरुषों की उम्र लंबी नहीं होती है क्या? फिर वहां के पति का किस तरह से होता है? अगर हम इन सब बातों का अगर विचार करते हैं तो यहाँ पर हमें एक ही बात समझ में आती है कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात है। यह हमारी जो जीवात्मा है यहाँ पर धरती पर जन्म में आई है 84 योनियों के बाद। 84 योनियों के बाद हमें यह मानव धर्म मिला है, मानव कर्म मिला है, मानव शरीर मिला है और पशु और हम में एक ही बात का अंतर है। ये सभी जानते हैं कि खान पान सोना मैथुन सभी करते हैं किंतु चिंतन ध्यान की प्रक्रिया जो है यह मनुष्य को दी गई है, ईश्वर प्राप्ति की प्रक्रिया यह मनुष्य को दी गई है। तो यहाँ पर हमें हमारे जीवन में 3 चक्र आते हैं कि हमारी बाल्यावस्था, हमारी मध्यम जो युवा अवस्था और हमारी प्रौढ़ा अवस्था। हमारी यह 3 अवस्थाओं के अंदर हम जिस दिन जन्मे थे उस दिन हमारी मृत्यु तय है, यानी कि यह शरीर जो है यह अल्प आयु है। ये कितना भी जी ले, ये 100 बरस जी ले, 150 बरस जी ले, एक बार इसे जाना ही है। तो जिस तरह से सत्यवान शरीर और जो सावित्री थी इनके जीवन को अगर लेकर बोला गया है तो यह हमारा शरीर है और हमारी आत्मा का यह जीवन है। और यहाँ पर हम जब
बड़े छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तब तो हम बहुत निष्पाप होते हैं। युवा अवस्था में हम खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, जॉब, इसमें करते हुए हम संसार बसाते हैं, और संसार बसाने के बाद हम संसार के मोह माया में ऐसे अड़क जाते हैं कि फिर हम उस ईश्वर का ध्यान भूल जाते हैं, और जब जो बातें करनी चाहिए वो कर नहीं पाते हैं, और फिर हमारे जीवन में वही रिसाइकल होती है। जब बुढ़ापा आता है, हम कथाएं सुनते हैं, हम बहुत सारी दंत कथाएं सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, और फिर उसमें आदर्श पुत्र, आदर्श पुत्री, इन सबको हम जब सुनते हैं, और फिर हम हमारे भाग्य के ऊपर रोते हैं, लेकिन वक्त वहां से निकल गया होता है। तो यही जो माया रूपी सर्प है, यही जो लाभ रूपी सर्प है, यह हमें डसता है और हमें सुधरने ही नहीं देता है। तो इसी से बचने के लिए हमें नामस्मरण करते हुए हमें ईश्वर का ध्यान करना है, और इस आत्मा और परमात्मा के बीच में यह जो माया है, यह इसे हमें हटाना है। हमें भोग सभी भोगने हैं, हमें आवश्यकताओं के अनुसार कार्य सभी करने हैं, लेकिन उसकी अतिशक्ति नहीं करनी है, उसमें हमें अतिशक्त अड़कना नहीं है। और इसी कारण से जब 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 आपको जितनी आवश्यकता है उतना जब हम जीवन का सुख भोगते हैं, तब तो हम बड़े आनंदमय होते हैं, किंतु हम हमारे जीवन की आवश्यकताएं जब शॉर्टकट से पाने लग जाते हैं, जब हम व्यभिचार करने लग जाते हैं, जब हम अनेक ऐसे गलत मार्गों का उपयोग करने लग जाते हैं, तो हर चेतना के अंदर निर्माण होता है एक महिषासुर, हमारे अंदर ही निर्माण होता है एक त्रिपुरासुर, और फिर दुर्गा का जन्म, दुर्गा का उत्पन्न, दुर्गा की प्रकटीकरण एक ही बार नहीं हुआ था, वो वारंवार होता है, क्योंकि हमारा जो यह शरीर है, हम प्रत्येक का जो एक शरीर है, यह एक ब्रह्मांड है, हमारे अंतर में अनेकों कोशिकाएं पेशिकाएं हैं, यही हमारे सैनिक है, हमारा मन है जो यह हमारे शरीर को चलाने वाला सेनापति है, और यह मन हमारे इन पेशिकाओं को जिस तरह से भी चलाता है, उस तरह से ये पेशिकाएं, ये हमारे अंतर के जो सैनिक है, ये चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारे ही विचार हम पे हावी होने लग जाते हैं, हमें सब कुछ अंदर से सब पता होता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, फिर भी हमारा यह सद्विवेक हम जब छोड़ बैठते हैं, उस समय प्राकट्य होता है दुर्गा का। दुर्गा कौन है? हमने हुताशु पूर्णिमा के ऊपर जब श्री यंत्र पे कुंकुम अर्चन किया था, नवरात्र में हमने देखा कि आचार्य जी ने 9 दिन नव दुर्गा का स्थापत्य किया, उनके रूपों का वर्णन किया, और हमने अष्टलक्ष्मी की स्थापना की थी। तो नव दुर्गा के हमने अनेकों स्वरूपों को देखा, और नव दुर्गा की मूल दुर्गा जो है वह त्रिदेव की त्रिशक्ति है। जब 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 धरती के ऊपर यह प्रहार बढ़ता है, अविवेक बढ़ता है, हमारे इस मन मस्तिष्क में भी अविवेक बढ़ता है, तो हमारे ही अंदर की स्त्री शक्ति दुर्गा का निर्माण होता है। मतलब हमारा ही एक अच्छा मन जो होता है, वह हमें कहता है कि नहीं, ये नहीं करना है, इस बात का प्रतिकार हमें करना है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के त्रिदेवों के शक्ति से जो एक शक्तिपुंज निर्माण हुआ था, वह थी दुर्गा, और यह इस दुर्गा ने इन त्रिदेवों को गुरु स्वरूप में नमन किया था, और बाकी सभी देवों ने इसे अपने आयुध देके इसे शक्तिवान बनाया था। तो जब हम भी हमारे अंदर में जब हम नामस्मरण, सत्संग, ध्यान, साधना, उपासना यह करने लग जाते हैं, जब हम सत्संग में बैठने लग जाते हैं, तो हमें नाम अच्छा लगता है, नाम लेने लग जाए तो हमारा ध्यान लग जाने लगता है, और जब हम ध्यान करने लगते हैं, तो फिर हम कुछ साधनाओं में साधना करने लगते हैं, और जब हम कुछ साधने लग जाते हैं, तब हमारे अंतर में कुछ बदलाव होने लग जाते हैं, हमारे क्रियाओं में, प्रक्रियाओं में, स्वभाव में जो बदलाव होने लग जाते हैं, और हमारे अंदर
ये होने वाले सूक्ष्म बदलाव हमारे ओरा को इतना पॉजिटिव, इतना सकारात्मक बना देते हैं कि दिव्य आत्माएं हमारे ओर आकर्षित होने लग जाती है और फिर हमें गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी न किसी रूप स्वरूप में गुरु हमारे सामने आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, संपर्क हो जाता है और हम किसी के विचारधारा के ऊपर चलने लग जाते हैं। हम किसी के विचारधारा पे चलते चलते हम उसे कुछ एक अलग सा अपने अंदर स्थान देने लग जाते हैं और वही मान्यता वाला स्थान जो होता है गुरु तत्व में प्रकट हो जाता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई मूर्ति नहीं है, गुरु यह एक तत्व है। वो किसी में भी हो सकता है, चींटी में भी हो सकता है, भौरे में भी हो सकता है, व्यक्ति में भी हो सकता है, मूर्ति में भी हो सकता है, विचारों में भी हो सकता है। और यह जब गुरु मिलते हैं, बाकी सभी देवताओं की देवियां हैं, ब्रह्मा जी की सावित्री है, विष्णु जी की महालक्ष्मी जी है, शंकर जी की पार्वती जी है, किंतु दुर्गा जो है, दुर्गा और त्रिदेव यह गुरु शिष्य का नाता है। दुर्गा जो है यह गुरु की शक्ति है और गुरु की शक्ति का जब हम आवाहन करते हैं तो गुरु की शक्ति हमारे जीवन के सारे सुख दुख, सारे जितने भी हमारे जीवन की घटनाएं हैं, इन घटनाओं का आवरण भी वही बनती है, रक्षण भी वही बनती है, आगे बढ़ने का मार्ग भी वही बनती है। और गुरु तत्व से जब हम जुड़ जाते हैं, उसे जहां स्मरण करो वह वहां पर वो प्रकट हो जाते हैं। तो देवताओं ने जब अपने आयु दिए थे दुर्गा को, और दुर्गा ने इस महिषासुर का वध किया था, और दुर्गा ने जब सभी देवताओं को बोला कि मांगिए आपको क्या चाहिए, सब सारे देवताओं ने दुर्गा से यही विनती की कि हे माँ, हे जगत जननी, आपका जो दिव्य स्वरूप है यह बहुत ही अविचल, अविशाल और बहुत ही तेज पुंज है और हम सब आपको नमन करते हैं। और जब जब हमारे जीवन में कोई विपदा आएगी, आनंद आएगी, उत्सव आएगा, हम जब जब आपको याद करेंगे, आपको प्रकट होना है और हमारा रक्षण करना है, हमें आशीर्वाद देना है। तो नित्य स्मरण में गुरु तत्व को, गुरु के वचनों को, गुरु को मंत्रों को, गुरु के शब्दों को, गुरु का हर शब्द मंत्र होता है, इसे हमें याद रखना है। तो सभी देवता ने कहा कि हम जब जब आपका स्मरण करेंगे तब तब आप प्रकट होइएगा। तो इसी तरह से हमें गुरु तत्व को स्वीकारना चाहिए। अब गुरु शिष्य को जब सब कुछ देता है तो क्या केवल वह उसके स्वयं के उपयोग के लिए देता है? उसे जो ज्ञान देता है, उसे जो मार्गदर्शन देता है, गुरु ने अपने जीवन में कितना कितना समय साधनाओं में, उपासनाओं में, कुछ बातें चिंतन करने में, कुछ पाने में लगाया होता है, क्या वो उसका आपके प्रति क्या ऐसा एक व्यक्ति के प्रति होता है? क्या गुरु आपके एक व्यक्ति के आकर्षण में आ जाता है, आपके सम्मोहन में आ जाता है? क्या उसका आपसे अकेले से कोई बंधन है? गुरु का किसी से कोई बंधन नाता नहीं है, गुरु अपने आप में तटस्थ है। कहते हैं कि गुरु के साथ मत रहिए, गुरु के दृष्टि में रहिए। गुरु के साथ रहना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो इसका राइट हैंड हूँ, इसका मैं क्या क्या कहते हैं लोग, उनका तो मेरे बिना ऐसा नहीं, मतलब छोटी छोटी जो एक उनकी वाली हंसी वाली बात हम सुनते हैं बहुत सी बार कि मैं तो उनका बहुत खास हूँ, मैं तो उनका ऐसा हूँ। गुरु के लिए सब खास ही होते हैं, सब प्रिय ही होते हैं। गुरु के लिए सारे शिष्य अपने बच्चों के प्रमाण से होते हैं। हाँ, उसमें से कुछ जो चेतनाएं होती है जो सृष्टि के कल्याण के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी, जन्मों जन्म से कार्य करती आती है, तो उनके माध्यम से गुरु कुछ विशेष कार्य कराते हैं और बाकी शिष्यों को भी वही प्रेरणा देते हैं कि इस स्थान तक पहुंचो और तुम भी यह करो। तो गुरु हमारे हमेशा, हम गुरु के दृष्टि में रहने चाहिए, हम गुरु के साथ हो या ना हो, गुरु से हमें जो भी विचार मिले हैं वह विचार हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें ले जाने चाहिए, क्योंकि एक गुरु कहाँ तक जाएगा। हमें इस सृष्टि का संतुलन अगर करना है तो परमात्मा ने सिद्ध पुरुषों को कुछ ज्ञान दिया है, सिद्ध पुरुषों ने सात्विक आत्माओं को ज्ञान दिया है, सात्विक आत्माओं ने गुरु तत्व को यह ज्ञान दिया है और गुरु तत्व से हम तक यह सामान्य तक ज्ञान आया है। और जब हम सामान्य रूप में इस ज्ञान को स्वीकार
करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी गुरु तत्व निर्माण होने लग जाता है। जब हमारे अंदर गुरु तत्व निर्माण होने लग जाता है तो कुछ चेतनाएं सिद्ध पुरुष हमसे संपर्क करने लग जाते हैं, और कुछ सिद्ध पुरुष जब हमें आकर हमें अर्ध रात्रि में बोलो, अर्ध चिंतन में बोलो, जो भी देकर जाते हैं और उसे जब हम फॉलो करते हैं तो हमें एक दिन परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो यह जो है, यह बीज से फल, फल से बीज, वृक्ष पत्ती, यह जो सारा जो एक साइकिल है, यह संपूर्ण साइकिल चलती ही रहती है। यह एक ब्रह्मांड का चक्र है, यह चलता ही रहता है। तो इस चक्र के अंदर हम कहाँ है हमारी खोज करें। दूसरी बात, हमें यह देखना है कि हमारे जीवन में कितने लोग आए हैं। हम जब साधना उपासना में बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, तो हमें यह देखना है कि हमारे जीवन में बचपन से लेकर अभी तक कितने लोग आए हैं। आप लोग है तो एक अभ्यास कर सकते हो कि इन सब लोगों की एक लिस्ट बना लो, इतने सारे लोग मेरे जीवन में हैं, इसमें से फिर मेरे रिश्तेदार है, मेरे मित्र परिवार है, मेरे जाने अनजाने लोग है, फिर अभी मेरे संपर्क में कितने, मुझे कितने लोगों की आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता कितने लोगों को है, मैं किसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे लिए कौन कितना इम्पोर्टेंट है, और मैंने फिर कितने में क्या अड़कना है, मुझे इनमें से क्या देना है, इसके जीवन में क्या अच्छा है उससे मुझे लेना है, इसके जीवन में क्या कमी है मुझे वो देनी है। तो आपने जो कुछ गुरु से लिया है, आपकी लिस्ट ही आपको बता देगी कि आपको किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है। तो यह सारी बातें यहाँ तक हो जाती है। तो आज का कहने का तात्पर्य यही था कि वट सावित्री पूर्णिमा जो है, तो यह बस एक सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए यम का पीछा किया और तीन वर ले लिए, और तीन वर लेके उसने उसे जीवित कर दिया, और हम वर्षों वर्ष यही कथा सुन रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सात फेरी मार रहे हैं, फिर दूसरे दिन लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और फिर 12 महीने में एक बार तो बोलते ही है कि ऐसा जीवन साथी तो भगवान कभी फिर से ना दे, ऐसा व्यक्ति तो मेरे जीवन में वापस कभी ना आए। तो फिर हमने वर्ष भर में एक बार भी अगर ऐसी बात बोल दी होगी तो फिर वह सही है या हमारी पूजन किया हुआ सही है, इसका विचार करें। तो क्रियाएं सभी करनी है। हमें यह मानव शरीर मिला है, आज हमें जो जीवन साथी मिला है, यह क्या पता जन्म जन्मांतर से आता हुआ यही सातवां जन्म है या अगला जन्म है। जीवन साथी हमारा जो भी होगा वो होगा ही, सूक्ष्म चेतना जो है वो हमसे जुड़ी है, वो विविध रूपों में हमसे मिलती ही रहेगी। किंतु हे परमात्मा, मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, जिस तरह से भी हूँ, तेरा साथ ना छूटे। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यह अगर हम हमारे अंदर चिंतन कर लेते हैं, हम अगर भगवान को ही हमारा सब कुछ मान लेते हैं, तन मन धन हम उसे ही मान लेते हैं, हमारा सगा भी वही है, पुत्र भी वही है, माता भी वही है, पिता भी वही है, साथी भी वही है, मित्र भी वही है, हम अगर हम हर स्वरूप में अगर उसे ही मान लेते हैं तो वह उस स्वरूप का प्रेम हमें मिलकर ही रहेगा। और अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि हमारी ही सेवा में कुछ कमी है। तो आज की जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा के ऊपर हम अब श्री यंत्र का हमारे नाभि मंडल के अंदर तथा हमारी वास्तु की नाभि के ऊपर भी इसे हम ध्यान करेंगे। और आज हम एक स्तोत्र पठन से यहाँ पर एक ध्यान करेंगे, साधना करेंगे कि इसके अंदर अब हम थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे कि जिससे हमें यह शक्ति धारण करने के लिए हमारा शरीर सजग होवे, और उसके बाद में फिर यहाँ पर एक स्रोत चलाया जाएगा। तो आपको अपने नाभि के ऊपर आज्ञा चक्र से नाभि के ऊपर ध्यान करते हुए आपको इस बात का जो है कि चिंतन करना है कि यह मेरे श्री यंत्र के ऊपर आज कुछ लोग इतने हिल रहे हैं कि मेरी भी बात का ये हो रहा है। तो हम मेरे इस नाभि चक्र के ऊपर यह श्री यंत्र जो स्थापित है, आज मैं इसका पूजन कर रहा हूँ। श्री यंत्र का पूजन महीने में एक बार पूर्णिमा में ही होता है, इसका स्नान। इसे पूर्णिमा के दिन आप पंचगव्य से, पंचामृत से, गन्ने के रस से, नारियल पानी से, जैसा भी हो सके आप इसको स्नान करा सकते हो।
तो हम आज अब अपनी मानस पूजा शुरू करेंगे। उससे पहले पंचामृत से जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम इसे हल्दी कुमकुम के जल से स्नान कराएंगे और जब स्तोत्र चलेगा तब हम मन में यह चिंतन करेंगे कि हमारे सप्त चक्रों से हल्दी कुमकुम इन दोनों का जो मिश्रण है यह मिश्रण निकलते हुए इस श्री यंत्र के ऊपर अर्पण हो रहा है और यह सब करने के लिए जो है तो हम आकाश से आने वाले एक सुंदर से ऐसे सुवर्ण प्रकाश के अंदर हम बैठे हुए हैं। अब हम यह जो सूक्ष्म व्यायाम भी करने वाले हैं, यह सूक्ष्म व्यायाम भी हम इस आकाश से आते हुए झरने के नीचे ही बैठ रहे हैं कि यह जो है यह दिव्य औषधियों का झरना हमारे ऊपर बरस रहा है और हम इस दिव्य औषधि में स्नान करके हम जब यह सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं तो व्यायाम करते समय हम इस औषधि का स्नान कर रहे हैं और हम यह स्नान कर सजग होकर साधना के अंदर बैठेंगे। मीनूश्री जी हर जो क्रिया है वह तीन तीन बार लीजिए। सब शांत मुद्रा में सभी लोग बैठ जाएंगे और हाथों को अपना ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आंखें आप सभी की कोमलता से बंद रहेंगी और अब अपने शरीर को आप एक आदेश दें कि ना आप आंखों को खोलेंगे और ना ही अपने शरीर को हिलाएंगे। अपने सारे ध्यान को एकाग्रचित करेंगे अपने आज्ञा चक्र के ऊपर। अपने सारे ध्यान को लेके जाएं आपके अपने आज्ञा चक्र के ऊपर और विजुलाइज करें वहां ओम को। तो सबसे पहले ध्यान की पहली अवस्था कि आपका मन एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। तीन बार ओम की ध्वनि लेंगे, लंबा गहरा सांस और ओम को उच्चारण करेंगे। तो शुरू करते हैं, लीजिए लंबा गहरा सांस। ओम की ध्वनि में हम ओ को जितने सेकंड भी जब हम सांस को अंदर भर रहे हैं तो अगर हमने 5 सेकंड ओ किया तो कम से कम हम 15 सेकंड तक माँ की साउंड को वाइब्रेशन को अपने मस्तिष्क में पूरा ध्यान से उसको विजुलाइज करेंगे। उसका जो वाइब्रेशन है उसका जो कंपन है आपका माइंड एकदम रिलैक्स होता जा रहा है उससे। तो फिर एक बार लेंगे लंबा गहरा सांस। शांत। चलिए फिर एक बार सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए रिलैक्स करें और एक बार फिर लंबा गहरा सांस लेंगे।
आपका मन एकदम शांत कोई विचार किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं रेखा मैम आगे आप कंटिन्यू करें इसको और सभी लोग अपनी आंखों को कोमलता से बंद करके एकदम बैठे रहेंगे किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं शांतिपूर्वक आप सभी बैठेंगे और जो भी आगे की क्रिया कराई जाएगी उसको शांत मन से सुनेंगे और साधना के बीच में किसी की आंखें खुलनी नहीं चाहिए सभी लोग अपने आप को दृढ़ विश्वास के साथ कोशिश करेंगे कि हिलाए ना क्योंकि स्क्रीन पे जब कोई भी हिलता हुआ नजर आता है तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको देख रही हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी या किसी और की आँख खुली है तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन में आता है तो आप कोशिश करें कि आप शांत चित्त से इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से सुने और उसको ग्रहण करने की कोशिश करें तो जब तक आप लोगों को नहीं बोला जाएगा आप कोई भी अपनी आंखों को नहीं खोलेगा और एकदम शांत जिससे किसी विचार के आए जाए बिना सब शांति से बैठेंगे तो आगे का सूत्रधार मैं रेखा किशोरी जी मैम को देती हूँ आगे इसको कंटिन्यू करें धन्यवाद सर्वप्रथम हम यहाँ पर मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक हम देखेंगे उसके बाद वीडियो चालू होगा आचार्य मैं कहती हूँ फिर चालू करो सर्वप्रथम मूलाधार चक्र के ऊपर हम अपने ध्यान को लेके जाएंगे यहाँ की जो देवता है वह गणेश देवता है जिसकी चार पंखुड़िया है और इसके स्वर जो है वम शम शम सम लम ओम सर्व व्याधि विनाशिनी देवी नमः ओम सर्वधार स्वरूपा देवी नमः ओम सर्व पाप हर देवी नमः ओम सर्व नंदमयी देवी नमः यह जो मंत्र है यह मंत्र आपको हम आगे सिखाने वाले हैं तो यह रोज 11 बार हमें मूलाधार पर करने हैं तो जितने भी यह मंत्र है यह सारे इस खड़ग माला के अंदर है तो सर्वप्रथम हम मूलाधार के ऊपर लम 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 तीन बार हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं उसके बाद हम स्वादिष्टान चक्र पर आते हैं वहां पर हम यह चक्र जो है यह जल तत्व का प्रतीक माना गया है और इसका मूल मंत्र वम है और इसकी देवता ब्रह्मा है और इसमें 6 पंखुड़िया है तो यहाँ पर हम 6 पंखुड़ियों को देखते हुए वम 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 तीसरा चक्र हमारा मणिपुर चक्र है जो अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है और इसका मूल मंत्र रम है और इसकी मूल देवता विष्णु है और इसीलिए राम राम मंत्र का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है और यह 10 पंखुड़िया है तो यहाँ पर हमें कम से कम 10 बार रम का श्लोक देना चाहिए तो रम 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 चौथा चक्र जो है हमारा अनाहत चक्र है यह चक्र वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है जिसका मूल मंत्र यम है और इसकी देवता रुद्र है इसमें 12 पंखुड़िया होती है तो यहाँ पर हमें इस यम को कम से कम 12 बार हमें चिंतन करना चाहिए तो यहाँ पर हम अनाहत चक्र के ऊपर
यम 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 ओम सर्व सक्षोभिन शक्ते नमः। पांचवा हमारा विशुद्ध चक्र है। यह चक्र आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है। यह हम है, इसका देवता सद्गुरु है और यह 12 पंखुड़िया होती है और यहाँ के जो स्वर ओम आम इम भी होते हैं, तो यहाँ पर हमें हम 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 अब जो कि हम हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे और मूलाधार चक्र के ऊपर हमने जो श्री अंतरस्थ अष्टलक्ष्मी स्थापन की थी उसके ओर जब हम अपना ध्यान लेके जाएंगे, तो अब बाकी सारी जो भी प्रक्रिया होगी हमारी आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र से ऊपर आते हुए नाभि चक्र के ऊपर स्थिर होगी। तो यहाँ पर मुख्यतः हमें आज्ञा चक्र से नाभि चक्र की ओर हमें हमारी चेतना को लेके जाना है और इस स्तोत्र को सुनना है और इस स्तोत्र के अंदर आपको जितना पूरा सुनने के बाद कोई एक शब्द ऐसा है कि जो लास्ट में आपके मन के अंदर रह जाएगा, तो उसे बाद में चिंतन करना है। आचार्य जी स्टार्ट। सभी लोग इस स्तोत्र को सुनेंगे, किसी ने अपने कैमरा के कोई बटन ये कर रखे होंगे तो मून स्क्रीन पे लेके आओ तो आपको सुनने को मिलेगा। पाओ के अंग तलवे टखने टांगे कमर रीढ़ की हड्डी पीठ दोनों कंधे बाया हाथ की अंगुलियां पंजा बीच का हाथ भुजाएं कंधा गर्दन कान मस्तिष्क दाया कान कंधा भुजाएं हाथ पंजा अंगुलियां। हमारा दाएं बाएं का संपूर्ण शरीर, उसी तरह से हमारे सारे मुख्य अवयव मुख्य अंग, हमारा नाभि का संपूर्ण भाग, हमारे लंग्स, हमारा कंठ, हमारा चेहरा, यहाँ पर हमें चेहरे के हर अंग को स्पर्श करना है चेतना से। हमारे होंठ, दोनों गाल, नाक, कान, मस्तक, बाल, हमें मस्तिष्क से लेके पाओ की अंगुलियों तक देखना है अंतर चेतना से। टांगों से लेके कंधों तक देखना है अंतर चेतना से। स्टमक से लेके घुटनों को देखना है अंतर चेतना से। और अब हमें अंतर में जो भी अभी आपने जो स्तोत्र सुना था, इसके अंदर बहुत सारे शब्द आए थे, उसमें का जो भी कोई शब्द आपको स्मरण में रहता है उसे अपने नाभि चक्र के ऊपर स्थापित करते हुए उस शब्द को अंदर ही अंदर आपको चैंट करना है। शांत बिल्कुल चैंट करते रहिए, बिल्कुल इसे चैंट करते रहिए। देखिए आपने पूरा सुना है, इस पूर्ण के अंदर आपको कौन सा शब्द
आपके मन को छू गया है, कौन सा शब्द आपकी चेतना ने स्वीकारा है, कौन सा शब्द आपके हृदय मंदिर के ऊपर विराजित हुआ है, इसे हमें नाभि चक्र के ऊपर स्थापित करना है। अब हम फिर से हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर ओमकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे चेतना से वापिस आए, धीरे धीरे अपनी चेतना को जागृत अवस्था में लाए, बिल्कुल धीरे धीरे शरीर को हिलाना है, दोनों हाथों को रफ करना है, दोनों हाथों को रफ करते हुए अपने गणेश देवता, इष्ट देवता, कुल देवता सभी का स्मरण करना है, और इनका स्मरण करके उस उष्मा को हमें आंखों के ऊपर उन दोनों हाथों को कुछ सेकंड के लिए वैसे ही रखना है, क्योंकि हमारे हाथों के अंदर, शरीर के अंदर जो यह ऊर्जा आई हुई है, इसे सिर्फ आंखों को हाथ लगाते हुए नहीं निकालना है, तो अपने हाथों को बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही आंखों पे रखना है, और आंखों को धीरे 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 खोलना है। धीरे 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 जब आप खोलोगे तो आपके आंखों के अंदर जो यह शक्ति निर्माण हुई है, प्रकट हुई है, यह धीरे धीरे आपके हस्त में आएगी, और इस हाथ को संपूर्ण शरीर के ऊपर हमें घुमाना है, शरीर के ऊपर हमें फिराना है, और जहां पर दर्द है वहां पर इसे ज्यादा लगाना है, ज्यादा स्पर्श करना है। इस तरह से हमें कप बनाते हुए कुछ सेकंडों के लिए, और फिर संपूर्ण शरीर को स्पर्श करते हुए जहां पर भी दर्द है वहां पर इस शक्ति को आप ज्यादा दे सकते हो। इस शक्ति से हमें हमारी आंखें, हमारे गाल, हमारी नाक, हमारे होंठ, हमारे दोनों कान, हमारा मस्तिष्क, यहाँ यहाँ पीछे हर जगह इसे हमें धीरे 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 इसे हमें हमारे इन सप्त चक्रों के ऊपर हमें इस शक्ति को देना है, तथा बाकी की ऊर्जा, हमने बहुत सारी ऊर्जा को आज अर्जित किया है, हे परमेश्वर, हे सूर्य देव, मेरे अंदर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वह ऊर्जा मेरे अंदर रखिए, और बाकी की ऊर्जा, हे सूर्य देव, मैं आपके ऊपर प्रसारित करता हूँ, करती हूँ, और इसे आप लीजिए, और इसकी जहां जहां सृष्टि में आवश्यकता है यह वह वहां पर आप भेज दीजिए, और जब भी मुझे इस ऊर्जा की आवश्यकता है, हे दुर्गा माँ, जिस तरह से देव ने जब जब आपको पुकारा है तब तब आप रखती हो, उसी तरह से हे ऊर्जा रूपी दुर्गा, जब जब हमें तेरी आवश्यकता होगी तब तक तुम आना है, और हमारे इस शरीर रूपी यंत्र को हमें आरोग्यमय सुरक्षा देना है। यह हम नमस्कार करते हुए यहाँ पर हम रुकते हैं।
और आप अगर किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। और आज हम आपको दो मंत्र भी ऐसे देंगे कि जिसका आपको उपयोग करना है, किंतु मैं चाहूंगी कि अभी इतनी बड़ी साधना हुई है और तुरंत से वह मंत्र ग्रहण करने की आप अवस्था में नहीं है, तो यदि किसी को कुछ बोलना है बोलिए। उससे पहले आचार्य श्री जी, मैं आपके पास मंच देती हूँ, आप बोलिए। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। शक्तियां अद्भुत होती हैं और शक्तियां लेना भी आसान होता है। देने वाला अगर शक्ति दे रहा है तो लेने वाला ले भी लेता है, लेकिन इन शक्तियों को सवाल कर रखना ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, और सवाल कर रखना बड़ा मुश्किल होता है। आपके पास शक्ति आई, आपने आज साधना की, उसके बाद इसके बारे में कभी ध्यान ही नहीं किया कि आपने कुछ किया भी है, भूल गए। यही कहिए कि केवल एक प्रोग्राम समझ कर अटेंड किया, उसके बाद फिर उस पर कोई चिंतन मनन नहीं किया और आगे फिर उसका कोई अभ्यास भी नहीं किया, तो शक्ति जागृत तो हुई लेकिन फिर वो काम नहीं करती। कोई भी शक्ति अगर स्थापित की जाती है, जागृत की जाती है, चाहे वो सिद्ध साधना हो, चाहे सी साधना हो, चाहे कोई और अन्य साधना, जितनी भी साधना है कोई गुरु कोई सिद्ध आपके अंदर स्थापित करता है, हमें उस पर लगातार अभ्यास करना होता है, और कम से कम अभ्यास 21 दिन तो होना ही चाहिए। अगर ज़्यादा करते हैं तो और अच्छा है। तो जब लगातार हम साधना का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर जागृत हो जाती है, स्थापित हो जाती है, और फिर वो शक्ति कार्य करने लगती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उस शक्ति को संभालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब शक्तियाँ आती हैं तो मन में भ्रम भी बहुत आते हैं, और उन शक्तियों का प्रयोग भी आपको कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, जो साधना कराए उससे पूछना भी चाहिए। तो अगर शक्ति जागृत हो रही है, आप उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर उसका प्रयोग कैसे करना है ये उनसे आप पर्सनली पूछा करें। तो ज़्यादा टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो ज़्यादा चर्चा ना करते हुए रेखा जी आप आगे प्रोग्राम शुरू करें। जी बिल्कुल, आचार्य जी ने सही कहा। और हमने जब पूर्णिमा उत्ताशु पूर्णिमा के दिन, होलिका के दिन जब प्रथम बार यह किया था, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं एक अंदर से ये आवाज आ रही थी कि तब स्थापत्य तो हो गया था, लेकिन कितने लोगों ने फिर से इसका जो हम साधना कहते हैं, इसका हम आराधना कहते हैं, उपासना कहते हैं, किया है क्या? और अगर किया है तो वो वाइब्रेशन से, नहीं किया है तो वो वाइब्रेशन से। तो दो दिन से एक अंदर से एक अलग सा कुछ हो रहा था, और कर मैंने आचार्य जी से रात्रि में बात की कि मुझे ऐसे लगता है कि हमने आज पूर्णिमा के ऊपर इस बात से और फिर एक बार जागृति लानी है। और आज तो वट सावित्री, यह एक उसके साथ बहुत अच्छा अनुभव का विषय था। अब हम इसके आगे जब भी इस साधना को करेंगे तो इसके मूल को लेके हम साधना करेंगे और साधना से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। इस साधना को हमें कम से कम 14 पूनम, 4 शुक्रवार और नवमी, इन दिनों में तो हमें इसे करना ही चाहिए। और 21 दिन का हम जब पहले अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद हम महीने में इतने दिनों में भी करते हैं, तो भी हमें इसके बहुत सारे अच्छे लाभ है। वैसे तो इसके लिए हमें रोज के हमारे 20 मिनट कोई ज्यादा नहीं होते हैं। अगर हम अपने आप को 20 मिनट अगर देते हैं तो उसके अंदर यह बहुत ही अच्छे तरह से होती है। और मैंने आपको कहा था कि जो भी एक शब्द आप लोगों ने पकड़ा है उसे आज आप दिन भर मनन कीजिए, और कल अगर किसी को लगता है तो उस शब्द से लेके आप मुझे प्रश्न दे सकते हैं। आज उस पे हम कोई नहीं बोलेंगे। आज मैं आपको बस दो ही बातें बोलूंगी कि बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी काम रुकते हैं, घर में कोई वातावरण का विषय है, वो बहुत सी बातें होती है। तो एक चैंटिंग नंबर दूंगी मैं आज, और इस नंबर को आप सबने नोट कर लेना है या ये यहाँ पे डाल दिया जाएगा। इसका विधान यही है कि एक पीले
कार्ड पेपर के ऊपर हमें इस नंबर को लिखना है। इस नंबर को वही उपयोग करेगा कि जो अपने इष्ट देव कुल देव जिसे भी वो किसी भी देवी देवताओं को मानता है, यह नंबर हर किसी ने करना, यह हमारा कोई जबरदस्ती नहीं है। जो ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखता है, जो ईश्वर का पूजन करता है, जिसके घर में रोज दिया धूप होता है, वही इस नंबर को कर सकता है। यह मैं यहाँ पर तो हमारे सारे साधक ही है, किंतु कल चल के जब यह यूट्यूब पे जाता है तो उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि गुरुदेव से हमें मिला हुआ एक बहुत ही ऐसा अच्छा मंत्र है जो हमारी अहिकता और भौतिकता इन दोनों को पूर्णता करता है। और इस नंबर का विशेष यह है कि इस नंबर को आपको सिर्फ एक बार लिखकर अपने इष्ट के चरणों में लिखना है, रखना है। वहां पे आप टिस्को टेप से भी उनके आसन के नीचे चिपका दे सकते हो इस मंत्र को, और फिर बाद में इसे रोज आपको है तो कम से कम 27 बार, ज्यादा से ज्यादा 52 बार, 108 बार इसे आप चैंट कर सकते हो। तो यह जो नंबर है, यह नंबर हमें लाल पेन से लिखना होगा पीले कार्ड पेपर के ऊपर। पीले कार्ड पेपर के ऊपर जब आप इसे लिखोगे यह ऐसा पीला कार्ड पेपर होता है, इस पीले कार्ड पेपर के ऊपर हमें लिखना है 4 2 1 7 0, 4 2 1 7 0। इस नंबर को हमें इस लिखना है। यह कार्ड पेपर बिल्कुल आप ऐसा इतना छोटा भी ले सकते हो, इतना छोटा भी ले सकते हो, इतने भी पेपर के ऊपर अगर आप इसे लिख देते हो और आपके जो कुल देवता इष्ट देवता है उनके आसन के नीचे आप इसको टिस्को से चिपकाइए। इसे रोज पूजा करते हुए उठाने की आवश्यकता नहीं है। यह नंबर का एक तरह से हम हमारे इष्ट को आसन देते हैं, और यह देने के बाद है तो हमें एक समय निश्चित कर लो, सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, और फिर आप कहीं पे भी रहो, आप आत्म रूप से चिंतन रूप से अपने उस मंदिर तक चले जाइएगा और फिर बाद में इस नंबर को हमें चैंट करना है हमारी कोई भी इच्छा रखते हुए। और इच्छा रखते हुए करना है, स्त्री की इच्छा है तो स्त्री ने ही करना है और पुरुष की इच्छा है तो पुरुष ने ही करना है। एक बार आपको दिया धूप घर में होना चाहिए आपके, और इस मंत्र को करेंगे इसका प्रभाव आप देखोगे कि आप जिस भी वस्तु का चिंतन करोगे, जिस भी रिश्ते का चिंतन करोगे, वह आपके जीवन में आएगा, यह मेरा अनुभव है। तो आज इस साधना के बाद में कहते हैं कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, साधना, उपासना, होम, हवन, इसके बाद में जो एक प्रसादी होती है, तो प्रसादी रूप में हमने हमारे गुरु से मिला हुआ ही प्रसाद आपको आगे बांटा है, तो इसे आप जरूर स्वीकार कीजिएगा। नंबर है 4 2 1 7 0। समझ में आ गया सबके? यदि कोई कुछ बोलना चाहे तो बिल्कुल संक्षिप्त में बोलिए, बाकी फिर और आगे जो भी अनुभव है वो ग्रुप पर लिखकर डालिएगा। और आज की साधना अब तक पहुंचते समय यदि हमसे कोई त्रुटियां रही हो तो यहाँ पर आई हुई ब्रह्मांड से आई हुई सारी चेतनाएं, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, कुल वास्तु देवता, इन सब के साथ मेरे माता पिता, मेरे गुरुदेव, इन सब के साथ आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। और सभी अपने अपने जगह फिर से हमें आशीर्वाद देकर प्रस्थापित हुए, और हम जब जब बुलाए तब तब सब लोग यहाँ पर आकर हमारे कार्य को शक्ति देवे, यही सबसे प्रणाम करती हूँ। कई बार परमात्मा बहुत कुछ कराता है और अद्भुत कराता है, और यहाँ तो हमेशा ही अद्भुत होता है। हाँ। तो सब परमात्मा की कृपा है, इस कृपा का आनंद लेते रहिए। इसी के साथ सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। ओम। जिसने पेड़ लगाया नहीं होगा सिद्ध साधना के निमित्त, वो आज जरूर पेड़ लगाए। प्रणाम। प्रणाम। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एहसास हो गया।